हाय बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। एंड आई सजेस्ट टू टेक 10 मिनट्स ऑफ सन बाथ एवरी डे। सो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूज ऑफ आर्ट। ऑन दैट आई विल ऐड मोर देन 5 सेंटेंस। लाइक सेंटेंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। First is affirmative sentences, second one is negative sentences, and third one is interrogative sentences. In last class we had discussed affirmative sentences. हम लोग ने last class में affirmative sentence discuss किया था और आप लोग ने homework में ये बनाया था। आज हम लोग देखेंगे negative sentences. Negative sentences का मतलब होता है नकारात्मक बात। जैसे अफर्मेटिव में हम लोग पॉजिटिव सब कुछ लिखते हैं, वैसे ही निगेटिव सेंटेंस में हम लोग निगेटिव लिखेंगे, जैसे कि नहीं का यूज करें। ठीक है, तो नीचे देखिए आप लोग, रीड एंड अंडरस्टैंड। ये टोपिया नहीं है, हम लोग क्या कर रहे थे अफर्मेटिव में, ये टोपिया है, दीज आर कैप्स। पर अब हम लोग को नहीं मतलब अफर्मेटिव, सॉरी नहीं मतलब निगेटिव का यूज करना है। तो ये टोपिया नहीं है जिससे हम लोग यूज करेंगे, दीज आर नॉट कैप्स। ओके, हम लोग निगेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग आर के बाद यूज करते हैं। ओके, इसी तरह है, ये पुस्तकें नहीं है, ये पुस्तकें हैं, उसका क्या होगा ट्रांसलेशन, दीज आर बुक्स। बट अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, दीज आर नॉट बुक्स। थर्ड में, ये माली नहीं है, दीज आर नॉट गार्डेनर्स। ओके, जहां पर भी नहीं आ रहा देखिए आप लोग, आर के बाद हम लोग यूज कर रहे हैं नॉट का। वे मोची नहीं है, दोज आर नॉट कॉबलर्स। वे विद्यार्थी नहीं है, दोज आर नॉट स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरह आप लोग यहाँ पे लेट्स डू बनाइएगा, पेज नंबर 17 का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और पेज नंबर 18 का ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।